नमस्कार। रेकी के पवित्र प्रतीक हौंशा ज़ेशो नैन का ध्यान करके हौंशा ज़ेशो नैन की ऊर्जा को आत्मसात करेंगे। हौंशा ज़ेशो नैन द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को स्वयं पर प्रवाहित होने का आह्वान करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों पर चौकुरे बनाएं और कहें, शुद्ध हो, सक्रिय हो, संतुलित हो। स्वयं के मानस पर एक बड़ा सा पर्पल रंग का हौंशा ज़ेशो नैन का प्रतीक बनाएं। मन का पूरा अवधान पर्पल रंग के हौंशा ज़ेशो नैन पर बनाए रखना है। कल्पना करें कि पर्पल रंग का हौंशा ज़ेशो नैन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहा है। ब्रह्मांड की ऊर्जा धीरे धीरे हमारे सहस्त्रार के स्थान पर प्रवर्त हो रही है। हम हौंशा ज़ेशो नैन की शुद्ध ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इस समय इस पवित्र सक्रिय ऊर्जा को वर्तमान की किसी स्थिति पर हीलिंग के लिए प्रवाहित करना चाहते हैं या अतीत के किसी स्थिति पर हीलिंग करना चाहते हैं या फिर भविष्य की कोई स्थिति जो संभावना के स्वरूप में है, उस संभावना पर सक्रिय ऊर्जा भेजना चाहते हैं, तो हौंशा ज़ेशो नैन की ऊर्जा को अतीत में या वर्तमान में या भविष्य में कहीं भी जहाँ इस ऊर्जा की आवश्यकता है वहाँ प्रवाहित कर सकते हैं। हौंशा ज़ेशो नैन समय और अंतर से परे कार्य करता है। कुछ समय हौंशा ज़ेशो नैन की ऊर्जा में बने रहें अब रेकी के पवित्र प्रतीक सेहेकी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सेहे की प्रतीक की ऊर्जा को आत्मसात करेंगे। स्वयं के मानस पर एक बड़ा चमकता हुआ पीले रंग का सेहे की बनाएं। मन का पूरा अवधान उस चमकते हुए पीले रंग के सेहेकी के प्रतीक पर बनाए रखना है। कल्पना करें कि वह चमकता हुआ पीले रंग का सेहेकी
ऊर्जा से सभर है और धीरे धीरे सेहकी का ऊर्जा प्रवाह हमारे चारों ओर विस्तृत हो रहा है। हम सेहकी की सक्रिय ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे शरीर का प्रत्येक कोश सेहकी की चमकती हुई ऊर्जा में प्रकाशित हो रहा है। आंतरिक शक्ति का सहज ही संतुलन हो रहा है। शरीर में जो भी ऐसे अनावश्यक तत्व है जो ऊर्जा के प्रवाह में अवरोध या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, वे सभी सेहकी की सक्रिय ऊर्जा में पिघल कर विलीन हो रहे हैं। शरीर में या जीवन में जिस स्थान पर या जिन स्थिति में ऊर्जा के सामंजस्य और संतुलन की आवश्यकता है, तो शरीर के उस अंग या अवयव पर या जीवन की उन स्थिति पर सेहकी की पवित्र सक्रिय ऊर्जा वहन हो रही है। शक्ति, सुरक्षा, संतुलन। अब स्वयं के मानस पर एक बड़ा सा सफेद शुभ्र चौकुरे बनाएं। रेखी के मुख्य पवित्र प्रतीक चौकुरे का ध्यान करके चौकुरे की ऊर्जा को आत्मसात करेंगे। मन का पूरा अवधान चौकुरे पर बनाए रखना है। कल्पना करें कि बड़ा सा सफेद श्वेत रंग का चौकुरे शुभ्र ऊर्जा से सभर है और धीरे धीरे चौकुरे की ऊर्जा का प्रवाह हमारे चारों ओर विस्तृत हो रहा है। हम चौकुरे की शुद्ध श्वेत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे शरीर का प्रत्येक कोश चौकुरे की श्वेत सफेद ऊर्जा में स्नान कर रहा है। आंतरिक शक्ति का सहज ही नियमन हो रहा है। अब अपने मन को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। आज्ञा चक्र के स्थान पर चौकुरे बनाएं और तीन बार कहें, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। अब अपने मन को विशुद्ध चक्र पर
ले जाए। विशुद्ध चक्र के स्थान पर चौकुरे बनाए और तीन बार कहे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आगे बढ़ते हुए अब हम मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र से गुजरते हुए एक बड़ा चौकुरे सृजन करेंगे और तीन बार कहे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, संतुलित हो सुरक्षित हो सक्रिय हो। अब बड़ा सा चौकुरे बनाकर ऊर्जा को संचय करते हुए और अपने मेरुदंड पर ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए राहु का प्रतीक बनाएंगे। शेष ऊर्जा को स्वयं की कुंडलिनी कुंभ में जमा करें। रेकी ऊर्जा का धन्यवाद करें। पंच तत्वों का धन्यवाद करें। ब्रह्मांडीय परम प्रज्ञा का धन्यवाद करें।